आप तो ये खामोखा की बातें करते हैं, विपक्षी लोग के लिए धर्म की राजनीति ये कर रहे हैं, कहाँ है धर्म की राजनीति बताओ। अबे किधर अबे? सब काम हो रहा है कि नहीं हो रहा देश में? कोई मंदिर के ऊपर अगर धर्म मंगल सूत्र का बयान कौन दिया भाई साहब? मंगल सूत्र का बयान ये तो सभी जुमले हैं, और भी तो पार्टियां खूब देती हैं। साले तू यार 10 साल में आप काम तो बता सकते हैं ऐसा? अब काम जब जमीन पे आप देखो, जमीन स्तर पे तो खूब काम हो ही रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ, बता दीजिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। ये भगवान क्या जुलुम है? तो अनभक्त के बारे में जितना भी कहा जाए ना वो कम है। अनभक्त की सोच पिछले 10 साल में कुछ विकास हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन अनभक्त का जो सोच है उसका विकास जरूर हुआ है। तो अनभक्त इसी लोगों को कहते हैं जो अपना पार्टी है, जो अपना नेता है, उस नेता के बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा सुनने के लिए ये लोग राजी नहीं होता है, ठीक है। उन लोगों को उन पार्टी का कोई भी कमी इन लोगों को नजर में नहीं आता, ठीक है। तो दोस्तों आज हम ऐसे एक वीडियो देखेंगे कि पिछले 10 साल में इन लोगों ने मतलब इसके नजर में बीजेपी पार्टी ने बहुत कुछ किया है इसकी नजर में, ठीक है। तो वही वीडियो आज देख लेते हैं दोस्तों, ज्यादा देर न करके चले वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहां से इस बार चुनाव जो हुआ था अतुल गर्ग और डॉली शर्मा में, क्या लग रहा है आपको? अतुल गर्ग ही जीतेंगे, लेकिन पहले से थोड़ा गैप रह जाएगा। पहले ठीक है, पहले 5 लाख से प्लस थे ना बीजेपी जीतती थी, 4-5 लाख से गाजियाबाद हमेशा, अब 9, 14, 19 तीनों जीता। अब के 2-3 लाख से रहेगा, पर जीतेंगे अतुल गर्ग। तुम्हें कैसे पता चला? और बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ वेरठ इधर का आइडिया है कुछ आपको? नहीं देखो मैं आपको बताऊँ, मेरठ बुलंदशहर इनमें गैप तो थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन जीतेगी बीजेपी ही। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? कारण है के हर एरिया में ना फ्लाईओवर, और ये जो सब लोग कहते हैं जो काम हुआ है काम दबा के हुआ है। अच्छा मेरठ के लिए तो हुआ ही, रैपिड रेल गई, मेरठ एक्सप्रेस वे गया, मेरठ भी हुआ है, बुलंदशहर में भी हुआ है, काम तो पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो देश में जगह जगह आप जाओगे तो आप फील्ड में देखोगे काम खूब हुआ है। धर्म की राजनीति वाली बात नहीं है, ये सब कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति है। धर्म की राजनीति भाई साहब, धर्म की राजनीति तो 1947 में हो गई, जब देश का टुकड़े हुए, क्यों हुए? वो धर्म के आधार पर ही तो हुए। जुम करो। कोई और वजह थी बताओ, कोई और कारण हो तो आप सब बताइए। धर्म के कारण ही 1947 में देश बटा। आप तो ये खामोखा की बातें करते हैं, विपक्षी लोग के लिए धर्म की राजनीति ये कर रहे हैं, कहाँ है धर्म की राजनीति बताओ? रुक तेरे को बताते, सब काम हो रहा है कि नहीं हो रहा देश में? कोई मंदिर के ऊपर अगर मंगल सूत्र का बयान कौन दिया भाई साहब? मंगल सूत्र का बयान ये तो सभी जुमले हैं, और भी तो पार्टियां खूब देती हैं। क्या मायला? आपका एक वोट ने राम मंदिर बनवाया, किसने बोला? खतरनाक लोग हैं भाई साहब, ये तो सभी बोलते हैं, लेकिन काम भी तो देखो ना फील्ड में। बहुत बुरे लग रहे, तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। मैं तो पूछ रहा हूँ किसने बोला, आपको मालूम है? अरे काम हुआ तो काम पे मांगो, फ्लाईओवर पे मांगो, ब्रिज पे मारो, एक्सप्रेस वे पे मारो। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ। क्या 500 साल में मंदिर नहीं बना? ये कहोगे कि आपका मंगल सूत्र दूसरे को भेज दिया जाएगा, ये क्या कहने? ये जो बातें हैं ये सभी पार्टियां बोलती हैं, और उनको जवाब देना पड़ता है उसी तरीके से। हाँ बेटा, लगता है तुम गु खा के ही मानोगे। कैसे? लेकिन आपके हिसाब से सही बोला, जो सही बोला, काम भी खूब हो रहा है देश में भाई साहब। तुम्हें शर्म है कुछ? पिछले 10 साल में काम नहीं हुआ, देखो आप दबा के चारों तरफ काम हो रहा है। जैसे क्या क्या आपको लगा भाई? आप देखो के क्या, पहले तो रोड पे ही आ जाइए, स्ट्रक्चर जो रोड का था गाजियाबाद नहीं लाइन, ये आपका दिल्ली में भी जो ईस्ट दिल्ली थी ना, वहाँ से कनॉट प्लेस में आने बड़ा दूभर होता था। अब लोग हम तो गाजियाबाद से 15-20 मिनट में, आधा घंटे में आ जाते। वाह मोदी जी, वाह वाह। तो यही तो स्ट्रक्चर चाहिए था हमें पहले, ये सब ठीक हो गया है। आगे और काम बताइए। तो जिस किस्म के सवाल का जवाब आता है उस किस्म का सवाल कर मुझसे। और काम बाकी ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा, असली बात तो रोडों का ही है। अरे यार 10 साल में आप काम तो बता सकते हैं ऐसा? मैं नहीं बताऊंगा। अब काम जब जमीन पे आप देखो, जमीन स्तर पे तो खूब काम हो ही रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ, बता दीजिए। पता नहीं, देखो हमारे यहाँ गाजियाबाद में बिजली की व्यवस्था पहले ठीक नहीं थी, ठीक है। मैं गांव, मेरा बुलंदशहर में पड़ता है, कोई काम ही नहीं हुआ। गांव में भाई साहब, बुलंदशहर में मेरा गांव पड़ता है, हमारे खेतों पे भी चक्रोड़ होती थी ना, वो कच्ची होती थी, अब खेतों पे भी सड़क है। अरे सड़क के अलावा कोई काम और बताए? सड़क के अलावा बिजली नहीं आती थी, अब बिजली ठीक आती है। क्या बात करता है यार, बिल तो आते हैं पर बिजली भी अब बिल्कुल ठीक आती है, और यही तो छोटी छोटी जो नीचे की जो बुनियादी सुविधाएं थी वो सब कंप्लीट होती जा रही है। तो दोस्तों आप लोगों ने तो वीडियो देख ही लिया कि अनभक्त कैसे होते हैं। अनभक्त को आप कोई भी अगर सवाल करें, जो बीजेपी का सपोर्टर होते हैं, अगर उससे आप कोई भी सवाल करें, उसका अगर उसका जवाब पता है तो अच्छी बात है, अगर जवाब पता नहीं है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो उन लोगों को पता चला है वही आप लोगों को कह देगा, ठीक है। दोस्तों ज्यादा बात नहीं करूंगा, वीडियो कैसे लगा वो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो पे।